so good evening all of you and uh, warm welcome to all of you to our contingencies class because i'm getting a lot of uh, queries from uk us so the tone might change in the class a little bit sometimes we'll cut it and we'll put it in youtube because we're getting international students as well okay so please put the heading कॉन्टिंजेंसी ठीक है ध्यान दीजिएगा ठीक है तनिष्क हम लोग का एटेक सिस्टम है व्यय एटेक जाइंट तो आपको टेस्ट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है टेस्ट आपके घर तक पहुंचेगी ठीक है आप ध्यान देना क्लास पे अभी तक जो भी हमने किया नहीं किया ठीक है तो सी एम वन फैन ऑफ कर दो, है? देखो वो जो है ना, बस. का दो पार्ट है, एक है कैश फ्लोस, जो मैं करा के गया था इक्वेशन और वैल्यू तक तो, सर मेरा नहीं हुआ आज मेरा फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत नहीं है यही तो खास बात है कि आप आज भी एकदम फ्रेश क्लास कर सकते हैं ठीक है जब जागो तभी सवेरा तो आज हम लोग जो करने वाले आज हम लोग बुनियाद रखेंगे कंटीजेंसी का जो आपको सीएम1 में 60% का आता है एग्जाम में ठीक है आप इंटरव्यू में जाओगे चाहे वो लाइफ हो चाहे वो जनरल हो सीएम1 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर बिकॉज़ इसमें आपको पूरा लाइफ इंश्योरेंस का फंक्शनिंग समझ में आता है इंश्योरेंस का पूरा आप समझते हो अच्छे से ठीक है तो अब ध्यान देना हम लोग आज बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी का ठीक है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका हम लोग एक बार कैश फ्लो इमेजिन करते हैं एक बार ठीक है तो एक जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उसका हम लोग कैश फ्लोज को इमेजिन करते हैं कैश फ्लो क्या हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी का एक बेसिक जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसको बंद कर दो प्लीज फैन को ठीक है ठीक है अब एकदम ध्यान देना ठीक है दो घंटा एकदम ध्यान देना अब जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी का कैश फ्लो क्या होता है एक बेसिक प्रोडक्ट का नाम है होल लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दूंगा जब मैं मर मैं क्यों मरूंगा कोई और कोई पॉलिसी होल्डर ठीक है तो पॉलिसी होल्डर अगर मरेगा तो उसके डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा ठीक है लेट्यूम दौ लाख मतलब वन सीआर तो प्रीमियम कितना बनेगा अपना पंद्रह हजार ठीक है पंद्रह हजार तो बेसिकली प्रीमियम आप कंटेंजेंसी में क्या होगा एडवांस में आना चालू होगा कंटेंजेंसीज में क्योंकि आज आप पॉलिसी लिए तो आज क्या होगा आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा ना ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत होने से तुरंत आप लोग चैट बॉक्स पे लिखेंगे ठीक है सो तो मान लो यहां मैंने दिया पंद्रह हजार ऐसे करके मैं हर साल के बिगनिंग में पंद्रह हजार रुपए दूंगा राइट कंपनी क्या करेगा जिस साल में पॉलिसी होल्डर मरेगा जिस साल में पॉलिसी होल्डर मरेगा जल्दी आओ वॉट इज दिस तुम लेट हुआ मेट्रो पकड़ने में छूट मत बोलो चुपचाप बैठो जाके मेट्रो लेट हो गया ठीक है कंपनी क्या करेगा ध्यान से सुनो जब पॉलिसी होल्डर मरेगा ये इवेंट सर्टेन है कि कंटिंजेंट है कभी ना कभी तो मरेगा ठीक है लेकिन कब मरेगा कंपनी को कितना प्रीमियम मिलेगा ठीक है तो ये सारी चीजें अनसर्टेन है तो इसीलिए कंटिंजेंसीज नाम दिया है इस पूरे जो आगे हम लोग जो करेंगे कंटिंजेंसीज नाम दिया है क्योंकि एक कंपनी का कैश फ्लो सोचो कितना बार प्रीमियम मिलेगा ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है अनसर्टेन है कब पैसा देना है सर्टेन है कि अनसर्टेन है अनसर्टेन है तो एक ऐसा कंपनी जिसका ना इनफ्लो सर्टेन है ना आउटफ्लो सर्टेन है फिर भी इतना सारा पैसा बनाता है कोविड के टाइम पे जब पूरा इंडस्ट्री खराब चल रहा था इंश्योरेंस कंपनी बूम कर रहा था क्यों क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर ऑन स्पॉट था लोग डरे हुए थे मैंने अपने खुद का पहला जो टर्म है जब भी मरोगे टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म क्या होता है? एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर अगर आप मरते हो तो आपके डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा ठीक है ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्लोट होते हैं ठीक है अब ध्यान दीजिएगा घुस गए अंदर पंद्रह हजार हम कंपनी को प्रीमियम देंगे मान लेते हैं दो बार देंगे ठीक है तीसरा साल में मर गया पॉलिसी होल्डर तो कंपनी कितना देगा एक करोड़ कैसे दे पा रहा है कंपनी एक करोड़ रुपया पंद्रह हजार करके दो बार दिया मान लेते बीस साल जिया बीस साल जिया तो पंद्रह हजार करके कितना बार दिया करो तो कैलकुलेट कैलकुलेट निकालो सब लोग फटाफट पंद्रह हजार करके अगर बीस बार देता है पंद्रह हजार करके अगर बीस बार देता है तो तीन लाख दिया हाँ इक्कीसवा सामने पॉलिसी होल्डर मर गया तो कंपनी कितना देगा कंपनी कितना देगा एक करोड़ कैसे बना रहा है पैसा पैदा कर रहा है कैसे कर रहा है कोई बताओ कैसे कर रहा है ये चीज कंपनी क्या कर रहा है पुलिंग ऑफ रिस्क इसको बोलते हैं पुलिंग ऑफ रिस्क कंपनी क्या कर रहा है ये जो प्रीमियम है कंपनी एक से नहीं ले रहा है कंपनी अनेक से ले रहा है करोड़ों लोगों से प्रीमियम ले रहा है कंपनी को पता है कि भाई आज के दिन पे अगर मैं सौ लोग से प्रीमियम लूंगा तो सौ के सौ नहीं मरेंगे सौ में कितने लोग मरेंगे सौ में मरेंगे सौ में मरेंगे दस, उसके हिसाब से वो प्रीमियम कैलकुलेट करता है तो हम लोग चालू करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने से जीने का और मरने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने से हम लोग चालू करेंगे ठीक है इंसान का जीने का और मरने का प्रोबेबिलिटी से चालू करेंगे धीरे धीरे करके हम लोग प्रीमियम में आएंगे धीरे धीरे करके हम लोग रिजर्व में आएंगे और और आगे का टॉपिक्स में हम लोग जाएंगे ठीक है तो पुलिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है कंपनी करोड़ों लोगों से पैसा ले रहा रहा है है कंपनी कर प्रोबेबिलिटी रहे हैं एंड उसके हिसाब से कंपनी प्रीमियम ऐसा चार्ज कर रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा इंश्योरेंस कंपनी का ही होगा समझ में आता है तुम लोग को बात ठीक है आज एक बात समझो एक बात बताते हैं इंडिया तुम लोग आज तक सुनते आया है हमको दस साल हो गया पढ़ते हुए उसके पहले भी मैं पढ़ता था बट अभी का एक चीज समझो दस साल में क्या सुना इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी विज़न 2047 जिसमें बोला कि इंडिया विकसित होगा मतलब इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी उसके लिए बोला कि इंश्योरेंस सबके पास में होना चाहिए आज के दिन पे जो पेनिट्रेशन है वो फाइव परसेंट का है ठीक है धीरे धीरे करके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस आएंगे ठीक है और अलग अलग लोगों तक जाएंगे ठीक है अब कर कैसे करेगा कंपनी कंपनी सबसे पहले जैसे मान लो तुम तुम्हारा नाम लक्ष्य तो कंपनी सबसे पहले ये पूछेगा कि भैया आप ये बताइए कि आप जो पॉलिसी लेने आए हैं क्या आप सिगरेट पीते हैं छोट नाई हाँ क्या आप सिगरेट पीते हैं नहीं तो कंपनी ऐसे करके बहुत सारा रेटिंग फैक्टर्स पहले डिसाइड करेगा हुक्का ड्रिंक्स और भी पता नहीं क्या क्या आ गया ई सिगरेट वैप ठीक है वेप बोलते हैं क्या ओ ठीक है तुम लोग इतने बोले हो सच में मतलब ऐसे क्वेश्चन में कुछ आएगा तब लोग वेप ठीक है तो बेसिकली कंपनी पूछेगा आपके पास गाड़ी है अरे हम पैसा थोड़ी ज्यादा लेंगे बोल दो ठीक है बताओ ठीक है तो क्या आप रैश ड्राइविंग करते हैं ठीक है तो कंपनी ऐसे करके बहुत सारा रेटिंग फैक्टर्स पहले तो पहले इकट्ठा करता है तो चाहिए होगा कंपनी को रेटिंग फैक्टर्स इकट्ठा करेगा आपके घर पे कितने लोग रहते हैं आप कौन से जगह पे रहते हो आपका हाउसिंग कैसा है आपका एडुकेशन कैसा है ऐसा माना जाता है कि पढ़ा लिखा लोग कम पीता है लेकिन देखो पब में जाके देखो पूरा कॉलेज बरसता है वहां पर फ्रेशर पार्टी एंड पार्टी फेल हुआ तो पार्टी खुश हुआ तो पार्टी क्लास टेस्ट का पार्टी हर चीज का पार्टी मैंने जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना पीता है तो ये तो फेल हो गया तो बोलने का मतलब क्या आपका कैसा है आपका जेनेटिक्स कैसा है आप जहां पर रहते हैं वहां का क्लाइमेट कैसा है कंपनी ऐसे करके बहुत सारा डेटा इकट्ठा करता है इसको रेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं आपके घर पे कितने लोग रहते हैं अब जैसे मान लो जब मैं छोटा था वन बी फ्लैट अब आज मेरे पास कितना फ्लैट में गिनने में टाइम लग जाएगा दिल्ली में एक है कैलकटा में तीन चार है ठीक है कर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं ठीक है तो बेसिकली तो बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि आपका हाउसिंग कैसा है आपका इनकम अच्छा होगा तो आप खाना अच्छा खाएंगे ठीक है ये बात ट्रू नहीं है जितना अच्छा इनकम होगा उतना ही कचरा जाता है पेट में ठीक है पूरा दिन ये सब चलते रहता है तो बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि आपका हाउसिंग कैसा है जेनेटिक्स आई एम हैविंग अ जेनेटिक डिजीज

कंपनी को पहले यह सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा रेटिंग फैक्टर है जो मेरे लिए अच्छा है माने जिसके बेसिस में मेरे को बाइफरकेशन करना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल एक है आपका स्मोकर और एक है आपका नॉन स्मोकर ठीक है दोनों के बीच में जैसे मान लो स्मोकर नॉन स्मोकर कंपनी फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई एक कंपनी है ठीक है तो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल जो कंपनी है वो क्या कर रहा है स्मोकर से ले रहा एक रुपया नॉन स्मोकर से ले रहा है नब्बे रुपया और एक कंपनी है मान लो लाइफ इंश्योरेंस ठीक है ये कंपनी क्या करता है स्मोकर हो चाहे नॉन स्मोकर हो दोनों से कितना रुपया लेता है सौ रुपया तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ सोच के बताओ अल्टीमेटली क्या होगा थैंक यू सो मच हाँ जो स्मोकर होगा वो जो स्मोकर होगा वो एच से लेगा और जो नॉन स्मोकर होगा वो आईसीआईसी से लेगा इससे क्या होगा इससे क्या होगा जल्दी बताइए हाँ एच का जो पॉपुलेशन है ना उसमें एडवर्स रिस्क है आज जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि भाई बच्चा चालीस लाए बच्चा साठ लाए सारा बच्चा का एडमिशन हम लेंगे तुम लोग बस अपना दोस्त लोग को लेके आओ मेरे पास बोलते हैं ना एडमिशन इज ओपन मान लो कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट है प्रोफेशनल ठीक है तो वो बोलता है भैया मैथ्स में अगर अस्सी के नीचे नहीं आया ना तो चौखट पे कदम मत रखना क्योंकि उसको पता है जिस बच्चे का मैथ्स में अस्सी के ऊपर आया है वो बच्चा तो ऐसे ही पास है अरे भाई जो बोर्ड्स में अस्सी के ऊपर लाया है वो बच्चा पे मेहनत कम है ना मेहनत तो चालीस को अस्सी करने में लगेगा तो वो क्या किया इसको बोलते है अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है जब पॉलिसी का स्क्रूटनी होता है ना तो आपका हेल्थ कंडीशन अभी मैं एक और पॉलिसी लिया दो करोड़ का अरे मतलब पॉलिसी लिया हूं दो करोड़ का लेकिन प्रीमियम बहुत कम आता है दस हजार पंद्रह हजार प्रीमियम आता है ठीक है तो बेसिकली दो करोड़ का पॉलिसी लिया तो मेरे घर पे आया ब्लड टेस्ट वगैरह सब करके लेके गया तो ऐसे करके और अगर मान लो पांच करोड़ का पॉलिसी लेता तो उस केस में क्या होता मेरा टीएमटी होता मतलब बेसिकली देखता आदमी भागता है मास्क लगा रहता है वो वाला टेस्टिंग होता है उससे पूरा रियल टाइम में सारा डेटा निकल के आता तो बेसिकली आपका पूरा हेल्थ स्क्रीनिंग होगा एंड फिर कंपनी ये जज करता है बेसिकली बेसिकली कि कि आपका पॉलिसी में, आ, आपको बेसिकली पॉलिसी में आपको इशू करना करना है नहीं करना है। इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग थीके? और प्रॉपर रेटिंग फैक्टर्स होगा मतलब आप कोई भी कंसीलमेंट नहीं कर सकते हो आपको कोई बीमारी है शुगर है ब्लड प्रेशर है आपको बताना पड़ेगा ठीक है क्योंकि कंपनी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोग सबको होमोजीनियस ग्रुप्स में डालना का मतलब क्या? में डालना जिनका में डालो जिनका एज है पच्चीस से तीस उनको एक ग्रुप में डालो जिनका एज है तीस से पैंतीस ऐसे करके पहले एज का ग्रुपिंग करेगा मैं आपको और एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमसे सेकेंड टाइम कोचिंग ले रहे हैं ठीक है दूसरे पेपर का ठीक है और मत डरना मत तुम लोग ऐसे कि वापस से भैया पास रेट आपका नहीं पास रेट अच्छा है और बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एडमिशन जो फर्स्ट टाइम बच्चा एडमिशन लेता है ना हम लोग बहुत ध्यान देते हैं उस पे। मैंने समझ रहे हैं पहला दिन तुमको ऐसा लगेगा भाई सर से अच्छा तो कोई आदमी ही नहीं है दुनिया पे भगवान तो क्या बनाया है और सोलवा दिन पैसा जैसे खर्चा हुआ फिर तुम देखना सर क्या है फिर तुम बोलेगा हम तो सोचते कन्हैया है निकला कंस ठीक है मजाक का बात और बेसिकली क्या होता है कंपनी ये आप देखो शुरू में मेरे को पता है बच्चे को बहुत नर्चरिंग का दरकार पड़ता है कैसे क्या देखना है बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है ठीक है तो इसलिए देखो आज भी मैं लोअर लेवल लेवल पेपर्स पेपर्स पढ़ाता हायर फैकल्टीज पढ़ाते हैं मेरे को मेन है CM1, बच्चे का सेट हो जाए बच्चे को हमारा पैटर्न समझ में आ जाए फिर उसके बाद बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं होता है तो कंपनी जब मेडिकल टेस्टिंग करता है जैसे मान लो आज मेडिकल टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो कंपनी के पास में बहुत रिसेंट डेटा है आपके बारे में तो ये लोग क्या बोलते हैं आप को अगर पॉलिसी लिए कम टाइम हुआ है तो कंपनी ये मान के चलता है कि यू सेलेक्ट पर्सन मैंने आपका जो मोर्टेलिटी होगा वो बाकी सबसे लाइटर होगा सर ये कैसे आप बोल सकते हैं ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने जिसका पॉलिसी किया है वो कुछ नहीं करता है, वो घर पे बैठा रहता है एंड जो कंपनी से दो साल पहले पॉलिसी लिए स्पोर्ट्स ट्रेनर इज बेसिकली मोर फिट पर्सन ऑफ माय कैटेगरी जिसका डेस्ट जॉब है पूरा दिन बैठ के पैसे गिरने का काम है हमारा और करते क्या हम पूरे दिन कोई भागा दौड़ी वाला काम है क्या बताओ दो बजे से यही बैठा हूं मैं ठीक है कुछ करना नहीं है इतना सब है हाथ में सब चीज मिलता है तो मेरा जो मोर्टेलिटी होगा वो हैवियर होगा वेन कंपेयरिंग टू स्पोर्ट्स पर्सन बट कंपनी क्या बोलता है आदमी के मरने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है आदमी के मरने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है मेरे को पैसा देना है कि नहीं है बताइए पैसा देने से फर्क पड़ता है ना अब जैसे मान लो तुमको कोई ऐसा बीमारी है ठीक है वो पॉलिसी में रिटर्न है कि भाई अगर आपका इस चीज से मृत्यु होगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा तो कंपनी निश्चिंत है ना भाई कंपनी को अरे तुम मरो तो मरो सर कैसा बात कर रहे यस दिस इज द रियलिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड तो बेसिकली कंपनी को तुम्हारे मरने से एक घंटा फर्क पड़ता है कंपनी को फर्क पड़ता है कंपनी के पॉकेट से पैसा निकल रहा है अगर कंपनी के पॉकेट से पैसा निकल रहा है तो कंपनी चिंतित होगा समझा ना तो बेसिकली सेलेक्ट का मतलब अब जैसे और भी होता है अब जैसे मान लो मैं तुमको बोला दो करोड़ तुमको सरकस कितना पैसा है रे लेकिन दो करोड़ का पॉलिसी आज के दिन पे कुछ नहीं है मेरे इनकम के हिसाब से साल का मेरा कमाई है पांच करोड़ का मत तुम लोग ठीक है तो अब जैसे बेसिकली अब यही सोचो मम्मी पापा अगर तुमको बोले कि मेरा दो करोड़ का पॉलिसी है तो बहुत बड़ा बात है क्यों क्योंकि 1990s, 2000s, 2005s में अगर कोई इतना बड़ा अमाउंट का पॉलिसी लिया हो तो बहुत बड़ा चीज है ठीक है तो बेसिकली कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या इंश्योरेंस कंपनी कैसे पैसा बनाता है समझ लेना इंश्योरेंस कंपनी करता है बनाता है और जितना जितना अब जैसे मान लो कंपनी में जाएगा ना उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा बट एक बात बताओ तुम्हारा एडमिशन के टाइम पे हम क्या बोले थे ये बताओ कोई बताओ अरे मेरे बारे में बोलो कोई दिक्कत नहीं है मैं हूं बुरा तो हूं हम क्या बोले थे तुम पहले पैसा भेजो हम कौन कौन है जो ऑनलाइन में बोलेगा यस हम क्या बोले थे पैसा भेजो बाकी सब हो जाएगा यही बोले थे ना नाम पूछे कहा सब पूछे कुछ नहीं पूछे ना क्यों ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अरे पागल पांच करोड़ एग्जांपल में था सच में थोड़ी सी उसको तोड़ रहे हैं हम क्या बोले पैसा दो क्योंकि हमको पता है बच्चे को जितना इरिटेट करेंगे ना उतना प्रोबेबिलिटी गिर जाएगा पैसा आने का एकदम साफ बात करो ठीक है तो हम लोग पहले क्या बोलते हैं पहले हम बात करेंगे अच्छे से ठीक है और हम लोग पहले पैसा ले लेते हैं तो एक सिक्योरिटी आता है मन में कि ठीक है ये कहीं नहीं जाएगा रिफंड पॉलिसी बोलने के लिए पैसा देते तो रिफंड नहीं होगा ठीक है अरे तुम ठीक है वो बोलिए ओह आप पता चला ठीक है तो बोलने का मतलब यह है कि कंपनी में तुम जितना डेप्थ में जाएगा ना डेप्थ में जितना जाएगा उतना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा लेकिन क्या, क्या कस्टमर के पास में इतना टाइम है कि वो फॉर्म भरेगा बैठ के नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा ट्रैक्टेबल और इज ऑफ एक्सेस रखना पड़ेगा कि भाई आज के दिन पे जब तुम देखो धोनी एक ऐड किया था धनी का उसमें क्या बोलते हैं इंस्टेंट लोन इन टू मिनट्स इंस्टेंट लोन इन टू मिनट्स का मतलब क्या है भाई वो लिफ्ट में रहता है वो नीचे का बटन दबाता है और नीचे जब तक तो उतरता है ना लिफ्ट का गेट खुलता है देखता है लोन प्रोसेस हो गया क्योंकि आज के दिन पे किसी के पास टाइम नहीं है तुम इंश्योरेंस कंपनी का जब फॉर्म भरेगा उसमें अगर तुमको दस रकम का चीज भरने बोलेगा हट नहीं लेना फॉर्म में नहीं मिले क्योंकि तुम अरे भाई ऑब्वियस बात है अगर आईसीआईसी बोलता है नहीं भैया मेरा तो ऐसा ऐसा ही हम हम ऐसी पॉलिसी बेचते हैं दस कंपनी खड़ा है पॉलिसी देने के लिए बजाज है एच है गवर्नमेंट का है सौ कंपनी है देने के लिए तुम्हारा अकेले का थोड़ी कंपनी है मार्केट तो में ये भी तुमको देखना पड़ेगा प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट आ गया है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट जैसे पॉलिसी छोड़ देता है 500 के लिए पॉलिसी छोड़ देता है जहां सस्ता हो वो ले लो अरे जहां सस्ता है वो लो ना भाई क्या दिक्कत है थोड़ा बहुत क्लेम सेटलमेंट देखो जहां सस्ता वहां लो ठीक है तो तुमको ये सब समझना पड़ेगा कंपनी का जो है कंपनी कंपनी करता है पुलिंग ठीक है अब और एक इंश्योरेंस का जो फीचर है वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का ठीक है अब जैसे मान लो तुम यहां से गुजर रहा था और तुम देखा कोई एक बिल्डिंग गिरने वाला है तुम बोला चल यार इस पे पैसा बनाते हैं इसका इंश्योरेंस करवा लेते दस करोड़ का कंपनी करेगा नहीं तुम्हारा थोड़ी है तुम्हारा थोड़ी है जो तुम करा लेगा इंश्योरेंस बोला बिल्डिंग गिरेगा तो पैसा मिलेगा नहीं तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें तुम अपना लाइफ का अपना घर का इंश्योरेंस कराओ तुम किसी भी बिल्डिंग जो गिर रहा है उसका थोड़ी इंश्योरेंस करा लेगा ठीक है

वो हम 28 के हैं वो 40 के तो भैया ही हुए मेरे मेरे तुम लोग के सबसे अंकल हो गए बट मेरे लिए भैया ही हुए तो हमें वो बोले प्रवीण तुम ये सब चीज पढ़ाता है बताओ कि ये पॉलिसी में क्या करना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है एक प्रोडक्ट होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस बोल के तो एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है ना आपको गारंटी है कि आपने जो पैसा लगाया वो आपको मिलेगा माने अगर आप मर जाओगे एक टर्म होता है मान लो 20 साल 20 साल के अंदर अगर आप मरोगे तो जब आप मरोगे तो आपके डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा नहीं तो अगर आप 20 साल के एंड पे जिंदा हो अगर आप 20 साल के एंड पे जिंदा हो तो आप अगर 20 साल के एंड पे जिंदा हो तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा जी समझो मैंने अभी तक जो पॉलिसी बताया उसमें क्या बताया टर्म इंश्योरेंस में मैंने क्या बताया बीस साल का टर्म है तो बीस साल के अंदर 20 साल के अंदर अगर मैं मरूंगा तो मेरे डिपेंडेंट्स को पैसा मिलेगा और अगर मैं 20 साल जी गया तो पैसा नहीं मिलेगा लेकिन एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या है 20 साल के पहले मरा तो उस समय मिलेगा 20 साल के बाद मरा तो 20 साल के एंड पे मिलेगा तो जो एजेंट लोग होता है इंश्योरेंस इज अ एजेंसी बिजनेस एंड द कमीशन इज वेरी हाई वेरी 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 हाई फर्स्ट ईयर मान लो अगर तुम 10 लाख का प्रोडक्ट सेल करता है मतलब 10 लाख का प्रीमियम तुम करता है ना तो 4 लाख का कमीशन आता है 4 लाख का कमीशन आता है माने जितना प्रीमियम फर्स्ट ईयर का मान लो तुम

बोला ना करो बीस हजार इंटू बीस ये भी करने का दरकार है चार लाख वाह तुम कैलकुलेटर में हाथ दे दिया वाह चार लाख रुपया बोला सर देखिए ये जो चार लाख रुपया नहीं तो आपका वेस्ट हो गया लेकिन मेरे पास एक नया प्रोडक्ट है नया प्रोडक्ट है मेरे पास में एंडाउमेंट इसमें क्या है ना आप जो भी पैसा देंगे ना मरे तो पैसा मिलेगा और जिए तो भी पैसा मिलेगा आपका पैसा सेफ है और मारवाड़ी बुद्धि है क्या है मारवाड़ी बुद्धि पता है क्या है पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए फिर वो मेरे को बुलाए मेरे को बोले प्रवीण बताओ इसमें कौन सा बोला भैया देखिए आपका इंश्योरेंस इज लाइक अ प्रोटेक्शन कि भाई आपको अभी इंश्योरेंस क्या है इंश्योरेंस बेसिकली एक टाइप का प्रोटेक्शन है आज मैं कमा रहा हूँ मेरे ऊपर दस लोग डिपेंडेंट है ठीक है दस साल बाद मेरा एसेट ही इतना होगा कि भाई वो वैल्यू कुछ नहीं कैरी करता है भाई वो आपको 20 साल बाद बोल रहा है एक करोड़ रुपए देगा उसका आज का वैल्यू कितना होगा लाख रुपए भी नहीं होगा अगर आप मार्केट रेट से टानोगे तो ठीक है तो करो बीस साल डिस्काउंट करो बीस साल डिस्काउंट करो बारह परसेंट वन टू टू दि पर माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी पर माइनस ट्वेंटी पर माइनस ट्वेंटी इन टू इंटू इंटू पचास लाख करो इंटू पचास लाख करो कितना आ रहा है मैंने बेसिकली फैक्टर कितना पॉइंट वन समथिंग आया क्या वन पॉइंट वन टू टू दी पर माइनस ट्वेंटी कितना आ रहा है पॉइंट वन आ रहा है ना अब समझो लगा दो करोड़ दो क्या है दो कुछ नहीं भाई समझा

प्रोडक्ट ऐसा बनाएगा कितना अट्रैक्टिव है देखो मैं तुमको दिखाता हूं पहले तुम लोग समझो कि हम लोग को पढ़ना क्यों है ये चीज ताकि हम लोग जनरल पब्लिक को बेवकूफ बना सके यस ठीक है अब देखो जीरो वन टू डॉट 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 बारह ठीक है बोलेगा सर आप आप बारह साल तक पच्चीस हजार रुपये करके दीजिए ठीक है बारह साल तक आप पच्चीस हजार रुपये दीजिए मान लो ये ग्यारह है ठीक है ये ग्यारह है ये ठीक है फिर बोलेगा आपका पांच छह साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है बोलेगा साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है और फिर बोलेगा सोलह से ना हम आपको पैसा देना चालू करेंगे ऐसे करके देंगे आपको पच्चीस साल तक कुछ कुछ पच्चीस साल तक आपको देंगे और आप कितना दिए बारह साल में पच्चीस हजार करके तीन लाख रुपए दिए वो हम आपको यहाँ वापस दे देंगे अब इसको समझाएगा कैसे पता है आप जो दिए वो तो आपको मिल ही रहे आप तीन लाख दिए वो तो आपको मिल ही रहे प्लस

तो बेसिकली आने वाला दस साल के लिए प्रोटेक्शन के लिए मैंने दो करोड़ एडिशन बढ़ाया मैंने पचास पचास लाख का दो पॉलिसी ऑलरेडी कराया हुआ है और अभी दो करोड़ इसीलिए बढ़ाया कि भाई अकस्मात कुछ भी कभी हो जाए होने को तो कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी कभी हो जाए तो तीन करोड़ रुपया सम एश्योर मेरे डिपेंडेंट्स को मिलेगा इंश्योरेंस इसीलिए कराया जाता है कि भाई किसी का स्टैंडर्ड लिविंग कॉम्प्रोमाइज ना हो आप जब कमा रहे हैं तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट्स है उनका एसओएल कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ठीक है कोई एग्जिस्टिंग लोन्स वगैरह होते हैं किसी को पेमेंट वगैरह करना है, होता है ठीक है जो बिजनेसमैन होता है उसका एवरेज में 20 से 25 लाख रुपए मार्केट में कभी भी चलते रहता है तो वो सब आपके फैमिली पे बर्डन की तरह नहीं है इसीलिए इंश्योरेंस कराया जाता है है ठीक एंड जो इंश्योरेंस कराते हो उसमें आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि आप इंश्योरेंस कराओ तो बेसिकली एटीसी बोल के एक सेक्शन है जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो ठीक है सो बेसिकली इंश्योरेंस इज नॉट अ सेविंग्स प्रोडक्ट तो कभी भी आगे अगर आपको इंश्योरेंस लेना हो जैसे क्या होता है अब जैसे मान लो

उसका प्रीमियम बहुत कम आता है मैंने पंद्रह हजार के आसपास आएगा ठीक है तो बोलने का मतलब यह है कि अब जैसे टर्म इंश्योरेंस में मान लो तुम्हारा आ रहा है पंद्रह हजार रुपया ठीक है वहीं अगर तुम सेम अमाउंट का एंडाउमेंट कराता है ना एंडाउमेंट इंश्योरेंस कराता है तो तुम्हारा प्रीमियम आएगा मान लो एक लाख बीस हजार रुपया बहुत बहुत फर्क रहता है क्योंकि ये बेसिकली क्या है ये तो बेसिकली तुम्हारे सेविंग्स हो गया ना कि तुम पैसा जमा कर रहे अगर पहले मर गया तो तुमको इंश्योरेंस का कवर उसमें दे रहे हैं और अगर टर्म के एंड पे जिंदा है तो पूरा पैसा तुमको दे रहा है तो नॉर्मल जो इसमें फर्क क्या है कि रेकरिंग में तुम अगर पहले मर गया, तो पैसा मिलेगा जितना अक्यूमुलेट हुआ है एड कर दिया उसमें रिकरिंग डिपोजिट में मान लो अगर सात परसेंट का ब्याज है तो इसमें और भी कम मिलेगा ना क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट में अगर तुम पांच साल जमा किया पांच साल एक लाख बीस करके जमा किया तो वैल्यू आ रहा है दस लाख तो तुम अगर उस समय मर गया तो तुमको दस ही मिलेगा बट एंडमेंट इंश्योरेंस में क्या हो रहा है तुम अगर बीच में मरता है तो तुमको एक करोड़ मिलेगा या फिर पचास लाख जो भी समय तुमको मिलेगा क्योंकि उसमें तो इंश्योरेंस का भी फीचर एडेड है ना तो रिटर्न तो और भी कम हो जाएगा उसमें तो वो तुमको गारंटी दे रहा है मैं आपको एक करोड़ रुपए दूंगा बेस्ट क्या पता है, है तुम पंद्रह हजार का टर्म इंश्योरेंस कराओ और बाकी जो भी पैसा बच रहा है ना उसको तुम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ क्योंकि म्यूचुअल फंड में तुमको मिलेगा दस से बारह का रिटर्न बात एक ही हो जाएगा बात एक ही हो जाएगा पहले मर गया तो ये एक्टिव हो जाएगा ना नहीं समझ रहे तुम लोग अगर मान लो पहले मर गया मान लो पांच साल बाद मर गया तो ये तो एक्टिव हो जाएगा तुम कंपनी को कितना दिया पंद्रह प्रीमियम दिया और तुम मरेगा तो कंपनी तुम्हारे डिपेंडेंट्स को कितना देगा एक करोड़ देगा तो ये तो हो गया और म्यूचुअल फंड में पैसा तुम्हारा जमा हो रहा है इंश्योरेंस इज नथिंग इट इज जस्ट अ वे ऑफ सेटिंग असाइड योर फंड्स फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी अब जैसे मेरा आईपैड है दस फैकल्टी यूज करते हैं तो मैं क्या करा रखा हूं? इसका एप्पल केयर का के इंश्योरेंस करा रखा हूं बोला सर गिर जाए टूट जाए आग लग जाए ठीक है कुछ भी हो जाए आप आएंगे आपको कोई नो क्वेश्चन मार्क्स आपको नया आईपैड मिलेगा एक लाख का आईपैड है बीस हजार इंश्योरेंस का लगा ठीक है तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है इंश्योरेंस इज जस्ट अ वे टू सेट असाइड द फंड्स आज आप कितना रुपए दोगे आप अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराओगे आप हेल्थ का कराओगे आप प्रॉपर्टी का कराओगे आप हर चीज का कराओगे वही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में डालोगे ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ भी खराब हो जाएगा हेल्थ भी खराब हो जाएगा घर भी टूट जाएगा और कोई होगा तो कोई एक कॉन्टिजेंट इवेंट होगा ना भाई कोई एक कॉन्टिजेंट इवेंट होगा तो पैसा उतना ही बनेगा तुम म्यूचुअल फंड में डालो बहुत लोग ऐसे लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं जो पंद्रह हजार तुम अपना हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दे रहे हैं इट्स अ गुड थिंग बट वही पैसा अगर तुम सारा म्यूचुअल फंड में डालेगा मोटा मोटी बात बराबर सा निकलेगा मोटा मोटी बात उसमें बराबर से निकलेगा इट इज जस्ट अ वे टू सेट द मनी बिकॉज हमेशा याद रखना पैसा सेलर ही कमाता है पैसा सेलर 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 ही कमाता है 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 क्योंकि सेलर क्या कर रहा रहा अपना सारा पहले कॉस्टिंग निकाल इफ द कॉस्ट इज बारह हजार थोड़ी वो तुमको दस हजार में बेच रहा है इफ द कॉस्ट इज बारह हजार वो तुमको कितना में बेचेगा पंद्रह हजार में अगला तो अपना मार्जिन इंक्लूड करेगा ना उसमें तो तुमको तो ज्यादा पे ही बिक रहा है वो प्रोडक्ट समझा

तो ज्यादा है ठीक है तो बेसिकली रेटिंग फैक्टर से वो होमोजीनियस ग्रुप बनाएगा और होमोजिनियस ग्रुप से उसका फिर सारा एस्टिमेशन करके वो प्रीमियम चार्ज करेगा बहुत सिंपल है अब जैसे देखो मेल मोर्टेलिटी मेल मोर्टेलिटी तो फीमेल का प्रीमियम कम है मेल का ज्यादा है विद एज मोर्टेलिटी इंक्रीजेस तुम अगर ज्यादा एज का है अब जैसे क्या होता है बहुत लोग को पता नहीं होता है तुम्हारा उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा वो भी बढ़ता है मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता है ठीक है तो ये सब सारे बेसिकली अलग 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 टाइप से वो क्या करेगा बेसिकली उसका एजेंडा यही है कि वो ग्रुप्स बनाएगा समझा एंड कभी भी घर पे बात हो कभी भी एंडोमेंट प्रोडक्ट नहीं खरीदना टर्म तो इंश्योरेंस खरीद के बैलेंस पैसा म्यूचुअल फंड में डालेगा समझा तो इससे क्या होगा तुम्हारा जो पैसे पे जो रिटर्न है वो बेटर होगा एंड एक बैंक का इंश्योरेंस बोल के एक चीज होता है अल्टीमेटली क्या होता है चीज समझो इंश्योरेंस एक टाइप का फोर्स प्रोडक्ट है यूजफुलनेस के लिए लेते हैं सब लोग ठीक है बट इंश्योरेंस एक टॉप का फोर्ट प्रोडक्ट है कोई घर पे कोई काम कर रहा है तो वहां से करवा लिया या फिर तुम कोई भी लोन लेने जाएगा ना बैंक का इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है जैसे मैं क्यों करवाया एक पचास लाख का तो डर के मारे कराया था कोविड के टाइम पे ठीक है उसके बाद जब मैं घर लिया तो सॉरी जब सेंटर लिया कैलकटा वाला तो उस समय वो लोग बोला सर आपको लोन तभी पास करेंगे जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमसे कराएंगे बैंक का मैनेजर हमको बोला बोला सर आपको लोन चाहिए आपका तीन दिन के अंदर लोन पास करके हम देंगे मेरा गारंटी है लेकिन आप पहले हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इंश्योरेंस दैट इज बैंक का इंश्योरेंस और एक चीज इंश्योरेंस में ना बहुत पैसा चाहिए होता है इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही नहीं खुलता इंश्योरेंस में बहुत करोड मनी चाहिए होता है तो हमेशा देखना एक बैंकिंग चैनल के थ्रू ही इंश्योरेंस खुलता है फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई लोमबार्ड आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल प्रोडेंशियल फॉरिन का कंपनी उसको किसी का पैसे का दरकार नहीं है दो रीजन की वजह से जुड़ा हुआ है एक इंडिया में एफडीआई हंड्रेड हुआ नहीं है फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब उसको इंडिया में काम करना है तो उसको इंडिया के संग जोड़ना ही पड़ेगा समझा और बैंक के संग होने से तुम्हारा क्या होता है फंड्स का जो फ्लो है वो अच्छा होता है ठीक है ये बेसिक था अब आओ अब थोड़ा नोट्स लिखेंगे आओ ठीक है आइए यहां तक सबको क्लियर है कोई भी डाउट देखो अपना काम रटाना नहीं है अपना काम है ऐसा चीज करना जो खून में बस जाए ठीक है तो खून में कैसे बसेगा कल तक जो पढ़े थे जो सर्टेन कैश फ्लो जो पड़े थे क्या था एक अपना था अमाउंट एक लाख कुछ लिखो मत कुछ लिखो मत मैं बोलूंगा एक लाख इसको 25 साल अगर डिस्काउंट करेंगे तो वी टू तो दी पार्ट 25 यही था ना 25 साल पुल बैक करेंगे मतलब क्या हो रहा है एक लाख मार्केट में महिला का एक परसेंट के हिसाब से समझ लो ना एक सवा परसेंट के हिसाब बारह परसेंट का ब्याज समझ लो तो 1.12 आगे लेके जाएंगे तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई पीछे लेके आएंगे तो डिवाइड टू दी पावर क्या आएगा अपना ट्वेंटी फाइव आएगा हाँ इसको अपने करते थे क्या कर रहे थे जो फ्यूचर में पैसा है उसको टाइम रहे थे क्योंकि मान के चल रहे थे कि फ्यूचर में जो पैसा है वो सर्टेन है वो आएगा ही आएगा लेकिन अभी एक बताना टर्म इंश्योरेंस का बात करो ठीक है टर्म इंश्योरेंस का बात करो पैसा तो पॉलिसी होल्डर को तब देना पड़ेगा ना जब वो मरेगा तो एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है अभी हर चीज एक्सपेक्टेड हो जाएगा इसलिए तुमको सीएस वन का क्लास में बैठा के वेरिएबल्स कराया सारा का सारा चीज एक्सपेक्टेड हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है हर एक के फॉर एग्जाम्पल एक, एक साल जिएगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी है सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि अगर एक साल जिएगा तब ना नेक्स्ट ईयर पॉलिसी को रिन्यू करा के प्रीमियम देगा 15 साल के अंदर मर जाएगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है दस साल के अंदर मर जाएगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है क्योंकि जो कैश फ्लो है उसको पहले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तुमको नींद आ रहा है जो है जो कैश फ्लो उसको अगर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और फिर एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कुछ नहीं है से अगर कंटीजिस में आना है सब में खाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते चलेंगे और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर सारा का सारा कैश फ्लो क्या है सर्टेन या अनसर्टेन अनसर्टेन और एक चीज बताते हैं अब जहां पर एक्सपेक्टेड का बात आ रहा है वहां पर स्टैंडर्ड डिशन का भी बात आएगा कंपनी बोलेगा हम सोचे थे कि पांच लोग मर गए पांच लोग मरेगा मर गया पंद्रह पांच लोग मरेगा सोचे थे मर गया पंद्रह तो ये डिविएशन भी होगा कभी मान लो कंपनी बोलेगा हम सोचे थे पंद्रह लोग मरेगा मर गया दस तो बढ़िया बात है अब पॉलिसी भी दो टाइप का होता है एक होता है होता है मोटालिटी उता एन्विटी। एन्विटी में क्या होता है जैसे मान लो साठ साल का आदमी एनविटी कराया साठ साल का आदमी एनमिटी कराया अपना लाइफ का पूरा सेविंग्स दे दिया आईसीआई पोटेंशियल को अपना पूरा लाइफ का सेविंग्स दे दिया आईसीआईसी पोटेंशियल को ठीक है बोला कि पूरा जीवन भर में मिला के मैं कमाया पांच करोड़ ठीक है आपको क्या करना है हर महीना हर महीना आपको मेरे को दस लाख रुपए देना है जब तक मैं जीवित हूं जब तक मैं जीवित हूं तो कंपनी क्या मनाएगा भगवान से बताओ पैसा लेने के बाद बुढ़ाओ कली मरे बुढ़ाओ कली मरे अगर बुढ़ाओ कली मर गया तो क्या होगा बताओ पार्टी सर कैसा बात कर रहे हैं वहां आई डोंट केयर इट्स बिजनेस ठीक है तो अब कंपनी क्या करता है कंपनी डाइवर्सिफाई कर रहा है तुम फोन काट रही हो हाँ ठीक है ठीक है तो कंपनी पांच करोड़ रुपए ले लिया और बोला हर महीना दस लाख रुपए देंगे आजीवन आज जब तक जीवित है जब तक जीवित है और भगवान से क्या माना पता है ही भगवान क्यों भाई जितना जल्दी मेरे उतना बढ़िया है ना लेकिन बुढ़ाओ भी सहना था बुढ़ाओ जिम करता था और ठीक है तो बेसिकली अगर वो जिम करता है तो कंपनी को, को रिस्क है कंपनी को रिस्क है लॉन्जिविटी रिस्क का लॉन्जिविटी रिस्क मतलब क्या होता तो है कंपनी सोचा था बुढ़ा पांच साल के अंदर मरेगा लेकिन बुढ़ा मर गया पंद्रह बीस साल के बाद बुढ़ाउ मरा पंद्रह बीस साल के बाद तो कंपनी लॉन्जिविटी रिस्क क्या कंपनी ढेर से आना कंपनी टर्म इंश्योरेंस भी बेच रहा है और एनविटी प्रोडक्ट भी बेच रहा है समझा टर्म इंश्योरेंस भी बेच रहा है और एनविटी प्रोडक्ट भी बेच रहा है इट्स लाइक एसी इन समर एंड इन विंटर समझा ना तो कंपनी का क्या होगा अगर मान लो कोई दिन गर्मी भयंकर पड़ गया गर्मी अगर भयंकर पड़ गया तो क्या होगा एसी बिकेगा एसी धनाधन बिकेगा भाई वोल्टास का शेयर प्राइस देखना गर्मी में आपकी बार हर साल गर्मी में ठीक है एकदम नियम से बता रहे है, पैसा कमाना तो कैसे कॉमन सेंस है कॉमन सेंस है एकदम नियम से इतना दस दिन ऐसा गर्मी पड़ता है ना मैंने भौकाल दस दिन और वोल्टास का शेयर प्राइस देखना बस ठीक है वो दस दिन में देखना बस खाली क्या भागता है मतलब ठीक है तो बेसिकली दोनों टाइप का काम कर रहा है एनविटी प्रोडक्ट भी बेच रहा है और मोर्टेलिटी प्रोडक्ट भी बेच रहा है तो अगर मान लो इंसान का मोर्टेलिटी बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा तो लॉस किस में आएगा अरे सोचो तुम लोग सोच के बताओ इंसान का मोट नालायक कहीं का इंसान का मोर्टेलिटी बढ़ जाएगा तो लॉस किस में आएगा मोर्टेलिटी बढ़ने से तो एनविटी में तो फायदा है ना जल्दी मरे ठीक है एश्योरेंस टाइप का प्रोडक्ट जैसे होल लाइफ एश्योरेंस उसमें दिक्कत है क्योंकि इसमें तो मरने से पैसा मिलना है ना ठीक है यही अगर मान लो इंसान बहुत अच्छा खा रहा है हेल्थ कॉन्शियस हो जा रहा है ठीक है तो उस केस में क्या होगा एनविटी वाले प्रोडक्ट्स में नुकसान होगा और टर्म वाले में फायदा होगा समझा इस टाइप का इंसान इंश्योरेंस कंपनी हर तरीके से हमने आपको डाइवर्सिफाई करके रखा है ठीक है आइए चलिए बेसिकली so ये जीरो है ये वन है ये टू है आप लिखना चालू कर देना ये फोर है और ये फाइव है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन ड्यूरेशन अब यहां पर आएगा एज एज में आपका आएगा फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर और फोर्टी फाइव सर व्हाट इफ अ पर्सन स्टॉप गिविंग इंश्योरेंस आफ्टर अ ईयर तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा बेटा आपने जो दिया कंपनी के पास अगर आपको पेड अप कराना है तो वह आप एक सर्टेन टाइम के बाद करा सकते हो कि भाई मेरे पास और हैसियत नहीं है प्रीमियम देने का आप मेरा पॉलिसी को पेड अप कर दीजिए पेड अप मीन्स आपने जितना प्रीमियम दिया उसके हिसाब से वो लोग एक समय शॉर्ट करके आपको बता देंगे वैसा ठीक है अब ध्यान देना यहाँ पर हजार लोग जिंदा हैं यहां पर 990, सौ नब्बे यहां पर 990, सौ नब्बे यहां पर 960, सौ साठ यहां पर 860 और यहां पर 800। ठीक है अब हम लोग को नोटेशन समझना है ठीक है आने वाला पांच क्लास नोटेशन समझेंगे ठीक है एंड सच बता रहा हूं रिकॉर्डिंग ऑन है ये यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो अगर जो पहले का जो सारा क्लास किया है और अभी वाला जो कर लेगा ना अगर फेल हो गया ना तो सच बता रहे पैसा पूरा वापस कर देंगे इकतीस हजार आठ सौ रुपया रेजल्ट लेके आना सर आए फेल्ड इट्स नॉट पॉसिबल टू फेल अब तुम जान के जिद्दी करेगा तो फिर उसका कोई हिसाब नहीं है लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू फेल ठीक है ध्यान देना तो एलएक्स का लिखना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स अलाइव एट एज एक्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव अलाइव एट एज एक्स ठीक है तो एक बात बताइए कॉपी हुआ संग संग कॉपी करेगा बहुत सिंपल सिंपल चीज है तो एल फोर्टी कितना होगा एल फोर्टी वन कितना होगा एल फोर्टी टू कितना होगा एल फोर्टी फाइव कितना होगा आठ सौ ठीक है इसके बाद में लिखना डी एक्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस वन तो बताना डी फोर्टी कितना हो रहा है डी फोर्टी का मतलब क्या हो जाएगा एल फोर्टी माइनस एल बड़ा कौन सा होगा एल फोर्टीन एल फोर्टी वन एल फोर्टी बड़ा होगा ना ऑब्वियस बात है तो ये कितना आएगा एक हजार माइनस नौ सौ नब्बे डी फोर्टी वन एल फोर्टी वन माइनस एल फोर्टी टू कितना आ रहा जीरो डी फोर्टी फाइव बताओ ए तुम बताओ डी फोर्टी फाइव हाँ वेरी गुड नहीं निकल सकता क्योंकि एल फोर्टी सिक्स है ही नहीं अपने पास में ठीक है चलो ये वाला हुआ नोट्स एकदम अच्छे से बनाएगा ठीक है कैलकुलेटर खरीदा ठीक है अभी मैं दे दूंगा और कौन नहीं लाया कैलकुलेटर कैलकुलेटर कहाँ है भूल कैसे जा रही हो तुम्हें हर चीज कल से मत भूलना एकदम हर्षिता बोलो सर आप बोले मोर्टेलिटी हाई है इसका मतलब पर्सन के मरने की प्रोबेबिलिटी uh, हाई है हाई है हाँ टीपीएक्स मेरा बात ध्यान सुनो जो x पे जिंदा है वो x प्लस टी पे भी जिंदा रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी एंड जिंदा रहने के लिए पूरा जिंदा रहना पड़ेगा कहानी घर घर की नहीं है कि मर के नहीं ठीक है तो पर्सन विल लिव टी मोर ईर्स का मतलब क्या है? एक्स साल का आदमी एक्स साल का आदमी और टी years के अंदर अंदर मर जाएगा इट्स नॉट कि एक्स साल का आदमी एक्स प्लस टी पे मरेगा नहीं एक्स प्लस टी के पहले पहले मर जाएगा दोनों में फर्क है टीपीएक्स का मतलब क्या है साल का आदमी प्लस लगा देंगे। एक साल का आई एम सॉरी फॉर दैट फाउल लैंग्वेज ये मेरे अंदर से आ जाते कभी कभी इन लोग को देख के हाँ तुम लोग यार समझता नहीं है बात को यार ठीक है तो साल का आदमी एक्स प्लस टी पे जिंदा रहेगा और टी क्यू एक्स का मतलब क्या है एक्स साल का आदमी एक्स प्लस टी के पहले पहले ठीक है अ पर्सन विल डाई विथ इन टी मोर ईयर्स and TPX plus TQX is equal to अरे बोलो वन तो जैकेट वैकेट लेके आओ बेटा पहला क्लास में तो चट जवान ठीक चल रहा है अब देखो ये है मीट हिम ये बैठेगा भी एसी के नीचे हाँ आज तो नहीं बैठा है लेकिन ये पूरा एसी के नीचे बैठेगा और बार बार टेम्परेचर टेम्परेचर चलो आप मेरे को ये बताओ 5p40 क्या होगा 40 साल का आदमी 5 साल और जिएगा तो 800 बाय हजार प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? फेवरेबल बाय टोटल तो फेवरेबल क्या है जो लोग 45 पे जिंदा है वेरी गुड अरे वाह 4p41 बताइए 900 सॉरी एक सेकंड आठ सौ भाई नौ सो ए भाई तुमको समझ में आ रहा है ना हाँ सर हाँ सर मत करो तुम कल आ जाना बारह बजे यस वन मिनट शॉर्ट ब्रेक टीपी एक्स का मतलब क्या है X साल का आदमी T ईयर्स और जिएगा टी क्यू एक्स का मतलब क्या है X साल का आदमी आने वाला T ईयर्स के अंदर अंदर वो नया है बेटा फॉर्म हटिए वहां से प्लीज वो बहुत महंगा है सीधा होइए। नहीं बात वो नहीं है यस yes. कितना आ रहा है आप कैलकुलेट कर बताइए कितना आ रहा है क्या चीज नहीं कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है नीचे वाला कि ऊपर वाला जल्दी बोलो हाँ ठीक है ये वाला जीरो पॉइंट एट जीरो ना ठीक है अब आप लोग कैलकुलेट करो फोर क्यू फोर्टी वन मेरा बात सुनो फोर क्यू फोर्टी वन का मतलब क्या है फोर्टी वन साल का आदमी आने वाला चार साल के अंदर अंदर मर जाएगा तो पहले ये देखो चार साल के अंदर कितने लोग अरे बोलो ना मर गए बताओ कितने लोग मर गए 190 लोग मर गए और 41 पे कितने लोग जिंदा हैं टफ लग गया इज इट टफ कितना आ रहा है 0.19 एक ये करके दिखाओ तब माने टू डेफर्ट थ्री क्यू फोर्टी टू डेफर्ट थ्री क्यू फोर्टी मैं इसको वर्ड्स में समझा देता हूं डोंट वरी चालीस साल का आदमी दो साल रुक के तीन साल के अंदर मरेगा इसको लिख देते वर्ड्स में इसको लिख देते वर्ड्स में चालीस साल का आदमी दो साल रुक के तीन साल के अंदर मरेगा कैसे आ रहा है देखो करना पड़ेगा टू पी फोर्टी इंटू थ्री क्यू बताओ ए ऊपर हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा Yes, you second bench 2P 40 into 3Q hot. 40, 41, 42, 43, 44. चार ऑप्शन है केबीसी फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी थ्री फोर्टी फोर एंड फोर्टी फाइव हा ए बी सी डी ई जल्दी बोलिए ए ठीक है लॉक नहीं करेंगे दूसरे पे जाएंगे इन पांच ऑप्शन में बताइए आंसर क्या है मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए ठीक है और जो जवाब दिया माता रानी की कसम मेरा काला जवान है ठीक है उल्टा उल्टा नहीं बोलेगा अभी उसको बोलने दो बीच में आंसर वो नहीं करेगा ठीक है पकड़नी है तुमको ठीक है ध्यान देना चालीस साल का आदमी दो साल जिएगा और फिर तीन साल के अंदर मरेगा इसका मतलब ये है ठीक है नहीं 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 क्वेश्चन पहले सुनिए टू पी फोर्टी इंटू थ्री क्यू पांच ऑप्शन है सर ठीक है सर तो हम है फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी थ्री फोर्टी फोर्टी फाइव जल्दी समय निकला जाता यू कैन फोन अ फ्रेंड फिफ्टी फिफ्टी जल्दी बोलो फोर्टी थ्री ठीक है अभी रुको फ्रेंड को फोन मिलाओ यस फ्रेंड फोर्टी चलो उसके बाद में यस यू फोर्टी यस यू इग्नोर द नॉइस इग्नोर यस यू से फोर्टी थ्री Forty. Yes. नहीं मिलेगा कॉपी में ब्रो। एग्जाम के पहले पढ़ना पड़ेगा कॉपी में नहीं मिले। ऑनलाइन के बच्चों को देखो वाह मन खुश कर दिया इन्होंने ऑनलाइन ऑनलाइन है सबसे अच्छे फोर्टी फाइव यस यू हाँ तुम तो बोल दिया ना तुम बोलो फोर्टी फोर्टी फाइव ओके तुम बोलो नीचे माथो कर हाँ oh तुम्हारा हो गया तुम्हारा बोलो तुम्हारा हो गया कितना फोर्टी 43, थ्री okay. 43. और तुम्हारा हो गया फोर्टी थ्री और यस yes, तुम्हारा हुआ मैक बोलो फोर्टी फाइव नंबर भी तुमको आएगा एग्जाम में देखा? क्या लगा मुझे बताओ मैं क्या करूं मैं वही सोच रहा हूं मैं तुम लोग का क्या करूं सोचो कुछ नहीं लगा मुझे सिर्फ लगे दो सेकंड और देखो एक बार तुम लोग ने जो जवाब दिया है अब उसे हम लगा के देखते हैं ठीक है चलो लगाते यू है 40 लगाते हैं। तो इसका तो मतलब यह हुआ कि भाई चालीस साल का आदमी दो साल जिया बट वो पा रह गया पा मूवी देखा है तो लो? तुम लोग तुम लोग पा मूवी नहीं देखा है मैंने उसमें उसका एज उल्टा होता है मतलब मेरा बच्चा रहता है उसमें हाँ हाँ तो तुम लोग का बोलने का मतलब ये है कि चालीस साल का आदमी जब दो साल जिया उसका अमर नहीं बढ़ा क्या लेकिन तुम लोग ने क्या जवाब दिया चालीस साल का आदमी सर दो साल जिया फिर चालीस साल का आदमी तीन साल में मर रहा वाह और एक चीज देखो फोर्टी फाइव वालों का जवाब सुनो चालीस साल का आदमी दो साल जिया उसका उमर हो गया फोर्टी फाइव फिर वो तीन साल के अंदर मर गया वाह फोर्टी थ्री लगा के देख लेता हूं मैं चालीस साल का भी दो साल जिया उसका उम्र हो गया फोर्टी थ्री सोचो जो ऑप्शन में नहीं था फोर्टी टू यस फोर्टी टू ये मेरा केबीसी है और मैं अमिताभ बच्चन स्टिल एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद भी, यू विल भी? चलो आओ सो so बेसिकली इसका होगा टू पी फोर्टी इंटू थ्री क्यू फोर्टी टू कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना चालीस साल का आदमी दो साल जिया उसका उम्र हो गया फोर्टी टू और फिर वो आने वाला तीन साल के अंदर मर गया अब कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान दो तुम लोग को ऐसा लग रहा है अरे सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा बहुत डिफिकल्ट है नहीं कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है ठीक है मैं जहां से आ रहा हूं अगर मैं कर सकता हूं तो इस क्लासरूम में बेटा हर बच्चा कर सकता है बात याद रखना। चलो, L42... हाँ, बोलो कौन सा एल फोर्टी टू बाई एल फोर्टी क्योंकि दो साल जिएगा तो उसका उम्र कितना हो जाएगा फोर्टी टू बाई एल फोर्टी इन टू आप 42 साल नीचे में तो एल्व फोर्टी आएगा ऊपर में क्या आएगा तीन साल में कितना लोग मर गया तीन साल में कितना लोग मर गया तो तीन साल में जितना लोग मर गया हम लोग क्या करेंगे D42, D43 और D44. तीन साल में कितना लोग मरा डी फोर्टी टू मतलब क्या फोर्टी टू से फोर्टी थ्री कितना लोग मरा डी फोर्टी थ्री मतलब क्या फोर्टी थ्री से फोर्टी फोर कितना लोग मरा एंड डी फोर्टी फोर का मतलब क्या है फोर्टी फोर से फोर्टी फाइव में कितना लोग मरा अलग अलग तरीके से करके देखो तब तुम लोग को बेटर क्लैरिटी आएगा इंस्टीट्यूट को बेस पसंद है हा हा तुम्हारा डाउट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा हाँ जल्दी बोलो जीरो पॉइंट वन पाँगे। वन नाइन आ रहा है कितना आ रहा है तेरा ठीक है क्या पूछो पूछो चलो क्या डाउट हो तुमको तो बोलो क्यों फाइव पी फोर्टी में क्या दिक्कत हुआ तुम बताओ चालीस साल का आदमी पांच साल जिएगा तो फेवरेबल बाय टोटल तो पांच साल बाद कितने लोग जिंदा है आठ सौ और आज कितना लोग जिंदा है हजार तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या पांच साल जिये एट उसी तरीके से किया बाकी सबको ठीक है कॉपी करो एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये वाला हुआ हाँ ठीक है नेक्स्ट पुट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल एफएलआरवी एल आर फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल एफएलआरवी सुनो इंसान फ्यूचर में कितना साल जिएगा ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है अनसर्टन है इसीलिए रैंडम वेरिएबल एंड फ्यूचर लाइफ टाइम है ठीक है ये दो टाइप का होता है ध्यान दीजिएगा एक होता है करटेट और एक होता है कंप्लीट मेरा बात सुनो ठीक है मेरा एज है ट्वेंटी एट मैं जीऊंगा सेवेंटी मैं जीता हूं फॉर एग्जांपल सेवेंटी फोर पॉइंट टू फाइव एग्जैक्ट ठीक है तो फ्यूचर में और कितना जिया फ्यूचर में और कितना जिया माइनस ट्वेंटी एट बताओ कितना होता है फोर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव तो ये मेरा कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम हुआ फ्यूचर में कितनी बार और केक काटूंगा फोर्टी सिक्स ये हुआ करटेट कितना बार केक काटूंगा फोर्टी सिक्स कितना एग्जैक्ट जीऊंगा 46.25 दैट इज कंप्लीट तो करटेट जो है वो है डिस्क्रीट एंड कंप्लीट जो है वो है कंटीन्यूअस क्योंकि उसमें क्या हो रहा है 46.25 भी हो सकता है 46.27 भी हो सकता है मैं ये भी बोल सकता हूं कि करटेट इज अ बॉक्स फंक्शन ऑफ कंप्लीट क्योंकि बॉक्स फंक्शन का मतलब होता है लोअर राउंडिंग अगर ये 46.99 भी होता और अगर इसका बॉक्स लगाते तो क्या होता 46 करटेट का जो एग्जांपल माने जो नोटेशन है दैट इज के एक्स कंप्लीट का है टी एक्स एक्स मतलब आज मेरा एज कितना है एक्स मतलब आज मेरा एज कितना है ठीक है इफ आई से ये वाला जो एग्जांपल है तो के 28 इज व्हाट 46 एंड टी 28 इज व्हाट 46.25 बोलो भाई ठीक है हां अब नेक्स्ट हेडिंग लगाना ओमेगा इसका मतलब है लिमिटिंग एज मेरा मॉडल एज्यूम करता है कि ओमेगा से ज्यादा कोई आदमी जी नहीं सकता एक सिंप्लीफिकेशन है है बट ऐसा नहीं कि कोई आदमी ओमेगा से ज्यादा जी नहीं सकता है इंडिया में हम लोग मान के चलते हैं ओमेगा इज हंड्रेड बट ऐसा है जरूरी है कि कोई आदमी सौ से ज्यादा जी नहीं सकता जी सकता है ठीक है जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी हाई तो जापान में मैं कर सकता हूं एक मेरा मॉडल एज्यूम करता है कि एक से ज्यादा कोई नहीं जिएगा बट क्या एक्चुअल में कोई एक से ज्यादा नहीं जी सकता कहीं लिखा है नहीं ठीक है ना सो प्रोबेबिलिटी टी इज ग्रेटर देन ओमेगा अब दोबारा से फंसाऊंगा ऑनलाइन में जवाब देना चालू करो यस yes. यस yes. पीछे तुम नहीं बोलेगा तुम बोलो हाँ तुम बोलो प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन ओमेगा वन कहां से आएगा टी मतलब समझो टी जीरो एक नया नयान्ना मुन्ना बच्चा अब क्या होगा प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट सर नहीं बाबू। वो बोलो जो कॉलेज में तुम मुझे बुलाते हो अपने दोस्तों से बात करते वक्त ठीक है क्योंकि सास भी कभी बहू थी बोलो बोलो तुम्हारा नाम वो है चांस आएगा रुको नन्हा मुन्ना बच्चा मतलब जस्ट अभी जन्मा है वो नेक्स्ट नंबर आ गया है बोलो सबका नंबर आएगा तुम्हारा बोलो ए hey, नेक्स्ट बोलो ए hey, बोलो यू लव मैथ्स राइट यू द एडमिशन टाइम आई लव मैथ्स आंसर इज जीरो अरे अभी तो मैंने बोला कि ओमेगा से ज्यादा नहीं जिएगा मेरा मॉडल एज्यूम करते हैं एक नन्ना मुन्ना बच्चा ओमेगा से ज्यादा जिएगा इसका क्या होगा? जीरो ना अरे कुछ तो दिमाग लगाओ यार देखो ऑनलाइन में तो फाड़ दे रहे हैं लोग बार बार लिख रहे हैं। क्या आंसर जीरो है क्या आंसर जीरो है जीरो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क ठीक है चलो अब जैसे इसके बाद हेडिंग लगाना प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी अब मैं दो लिखूंगा ठीक है तुम लोग बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है ठीक है फाइव पी थर्टी टू 2p33 पी थर्टी टू इंटू टू पी थर्टी थ्री इंटू टू पी थर्टी फाइव फाइव क्यू थर्टी टू क्यू थर्टी टू इंटू टू क्यू थर्टी थ्री इंटू टू क्यू थर्टी फाइव ठीक है चलो तो यहां से चालू करते हैं तुमसे हाँ बोलो कौन सा सही है कौन सा गलत है ऑनलाइन तो आज भाई गजब ढा रहे हो वाह हमारे हमें आंसर दोनों सेम ही तो है बताओ कौन सा सही है आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है क्यों नहीं पता आपको सोचिए आप एटलीस्ट ट्राई करिए सोच के देखते चलो आओ सोचते हैं आओ इस पे आओ थर्टी टू ईयर्स का आदमी पांच साल जिएगा तो थर्टी टू ईयर्स का आदमी को पहले एक साल जीना पड़ेगा फिर उसका उम्र हो जाएगा थर्टी थ्री फिर वो दो साल और जिएगा उसका उम्र हो जाएगा थर्टी फाइव फिर वो दो साल और जिएगा तो एक दो, दो पांच साल हो गया मतलब ये सही है अब इधर आओ थर्टी टू ईयर्स का आदमी को पांच साल के अंदर मरना है तो 32 इयर्स का आदमी पहले एक साल के अंदर मरा, फिर वो जिंदा हो गया फिर वो दो साल के अंदर मरा फिर वो जिंदा हो गया फिर वो दो साल के अंदर मरा तो ऐसा क्या पॉसिबल है नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ ओनली अप्लाइड इन सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज नॉट डेथ प्रोबेबिलिटीज़। चलो, ये लो हो गया ऐ yes. hey, तुम मेरा कैमरा हिला रहे है चलो अब मैं आपके सामने रखता हूं कुछ प्रश्न चलो बताओ एक साल का आदमी जीरो इयर्स जिएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है वन एक साल का आदमी आजीवन जिएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है एक साल का आदमी अभी मर जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है एक साल का आदमी कभी ना कभी तो मरेगा बोलो ना हाँ। हाँ। तुम मरा क्या अभी 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 तो वही तो क्वेश्चन है अभी मेरा <laughs> तो फिर अगर पर पर उससे पूछो तो अगर गया तो तुम लोग हमको बता था ना ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछोगे मेरे से केक काटते काटते मर गया तो वो बर्थडे होगा कि नहीं होगा तो ग्रो अप Npx Lx plus N by Lx Nqx 1 minus Npx 1 minus Lx plus N by Lx Lx minus Lx plus N by Lx क्वेश्चन लिखो एलेक्सीज हंड्रेड एंड टेन माइनस एक्स ओमेगा क्या है फिर उसके बाद में ट्वेंटी पी फोर्टी क्या है फिर उसके बाद में थर्टी क्यू फोर्टी क्या है फिर उसके बाद में क्यू ट्वेंटी वन क्या है फिर उसके बाद में टू क्यू सेवेंटीन क्या है फिर उसके बाद में डी फिफ्टी क्या है वन वन जीरो है कौन कौन है जो बेसिक जो मैंने कराया है अभी तक वो क्लास नहीं देखा है हाथ उठाओ तुम 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 कब लिया एडमिशन ठीक है तीन जन नहीं देखा और कोई है जो पिछला वीक का क्लास नहीं देखा है हाथ उठाओ तुम चार जन और हाथ उठाओ सुनो मेरी बात को मैं बहुत स्लो जा रहा हूं क्योंकि मैं अकेले कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ ठीक है तुम लोग ये जो क्लास कर रहा है तुम लोग घर पे जाके एक क्लास करेगा तुम तो आई रहे तुम भी आई रहे तुम्हारा कॉलेज का कैसे क्या है कॉलेज का रूटीन तो तुमको लेकिन घर पे देखना पड़ेगा क्लास ठीक है मुंह बनाने से नहीं होगा देखना होगा आज रात को एक देखना होगा क्लास ठीक है तो सुबह कॉलेज कितना बजे होता है 8:45 तो सुबह तो नहीं हो पाएगा ठीक है आज रात को एक क्लास देखो एकदम भी नहीं देखा है स्टार्टिंग का हाँ तो वो देखना है क्योंकि उसके बाद भी थोड़े सम्स वगैरह और तुम्हारा देख भी लिया एडमिटी तक ठीक है तो मतलब और भाई सुनो क्योंकि देखो अभी टाइम है फिर मैं 21 तारीख को आ रहा हूं तुम लोग ये समझ लो जो जो तुम लोग सब हो बस मेरे दिल के करीब हो मतलब तो एकदम कोई भी बच्चा ऐसा ना फील करे कि मेरा जल्दी हो रहा है मैं दो दिन रुक जाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग अच्छे से करो चलो चालू करें इफ यू रेस्ट यू रेस्ट ये बात याद रखना तो ओमेगा कितना है बताओ 110, क्योंकि मैक्सिमम एज यहां पर कितना आ रहा है 110 अब तुमको यहां पर एक करिश्मा दिखाता हूं तो 110 एंड टेन माइनस एक्स ठीक है अब 20 पी 40 है तो तुमको चाहिए होगा l 40 और तुमको चाहिए होगा l 60 तुम 40 डालेगा तो क्या मिलेगा लार्ज बेंच वाले को तो ये नहीं समझ में आ रहा है सर कहा 40 डालने बोल रहे हैं अरे बेटा एक्स की जगह पे डालना है फोर्टी तो कितना मिलेगा सेवेंटी फिर सिक्सटी डालेंगे तो क्या मिलेगा फिफ्टी तो आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा फिफ्टी बाय सेवेंटी माइनस नहीं करना था डिवाइड करना था ध्यान दो ध्यान दो थोड़ा जोश में आओ कब खोलेगा तुम लोग का खून ध्यान दो इधर अब देखो और एक चीज यहां पर हर एक एक्स बढ़ रहा है ना तो हर एक साल dx कितना है वन लॉजिक लगाओ यार हर अभी जैसे देखो यहाँ पर 100 सौ यहाँ पर जीरो करूंगा तो क्या आएगा 110 सौ दस वन करूंगा तो क्या आएगा एक ना तो पहला साल कितना मरा एक दूसरा साल कितना मरा दो देखा देखा यही भेड़ चाल वाला एटीट्यूड पहला साल कितना मरा दूसरा साल कितना मरा एक अभी बोला हर साल में एक मरा मैं बोला दो तो तुमने बोला दो पहला साल में कितना मारा दोबारा बोलो दूसरा साल में एक नहीं समझा रहे x की जगह पे आप वन डालोगे तो क्या मिलेगा वन नाइनटीन टू डालोगे तो वन एटीन तो माइनस हर साल कितना एक ही लोग मर रहे हैं ना तो क्यू ट्वेंटी वन विल बी वॉट सॉरी डी फिफ्टी विल बी वॉट वन क्यू ट्वेंटी वन इज वॉट क्यू ट्वेंटी वन इज वॉट वन बाय समझो ना कितना लोग मरा है ना 21 साल का आदमी एक साल के अंदर मरेगा तो 21 से 22 के बीच में एक ही हुआ होगा डिवाइड बाय 21 पे कितने लोग जिंदा है 110 -21 ना बताइए कितना आ रहा है प्लीज स्मार्ट अप्रोच फॉलो कीजिए प्लीज कितना आ रहा है बताइए हाँ 89 बोल रहे हो क्या ठीक है थर्टी क्यू फोर्टी थर्टी क्यू फोर्टी इज वॉट आप 40 डालोगे तो क्या मिलेगा सेवेंटी आप आप सेवेंटी डालोगे तो क्या मिलेगा टू क्यू सेवेंटीन बताइए क्या कर रहा है नहीं क्या कर रहे हैं अच्छा ठीक है बोलो एक से, नुको, एक से नुको. अरे लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं पहले तुम बोलो किसका थर्टी क्यू फोर्टी ना एक से नुकेगा फोर्टी डालोगे तो क्या मिल रहा है सत्तर और सत्तर डालोगे तो क्या मिल रहा है चालीस ठीक है तो किए फोर्टी बाय सेवेंटी हाँ वही तो कर रहा था एक मिनटों को एक मिनट को ये सेवेंटी माइनस फोर्टी होगा हाँ ठीक है एक मिनट को हाँ आप बोलो गुस्सा रस भाई फोर्टी डालोगे तो क्या आएगा सेवेंटी एंड सिक्सटी डालने से क्या आएगा फिफ्टी तो इसका आपने को करना है एल एल क्या होगा बताओ एल सिक्सटी बाय फोर्टी क्यू में माइनस कर रहे हैं ना कि कितने लोग मर गए वो निकाल रहे हैं एंड टू क्यू सेवेंटीन इज वॉट टू क्यू सेवनटीन इज वॉट क्यू बाय क्योंकि दो साल में दो लोग मरेंगे

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अ पर्सन हैज एज ऑफ ट्वेंटी वन एग्जैक्ट Huh, Sorry, sir. No problem. A person has the age of twenty one exact, he lives for he lives for. सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री फाइव इयर्स मोर कैल्कुलेट के ट्वेंटी वन एंड टी ट्वेंटी वन हा सो टी ट्वेंटी वन इज हाउ मच क्वेश्चन सुनो पहले ही लिप फॉर सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री फाइव ईयर्स मोर बोल रहे हैं तुम लोग क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे नेक्स्ट में आइए ये आप लोगों को प्रूविंग करना है एन क्यू एक्स इज समेशन टी रन फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन DX plus T by LX NQX is what? One minus NPX. So this is one minus LX plus N by LX. So this is LX minus L एक्स प्लस एन बाय एल एक्स अब इसको ब्रेकअप करेंगे किसी का हुआ है दो ब्रेकअप दो क्वेश्चन कॉपी हुआ देखो जो माइनस होगा वो क्या होगा फिर प्लस जो चीज माइनस होगा वो चीज प्लस भी तो होगा ना समझा प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिए और डिवाइड में क्या है बताइए तो क्या आएगा बताइए डीएक्स प्लस डी बोलो भाई लोग टाइम कैसे निकल गया ना पता ही नहीं चला मेरे को तो हाँ बोलो प्राणित सर अगर कोई इंसान मरता है तो उसकी जो उम्र होगी होगी होगी? वो हो 47 हो 46... नहीं, वो काउंट काउंट या नहीं एज लास्ट बर्थडे देखते हैं ना तो तो ही बोला जाएगा उसमें तो हम काउंट तो करेंगे इस इंसान हेडिंग लगाना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ के एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ के एक्स तो िटी के एक्स इज इक्वल टू जीरो जो बता दिया ना बस लाइफ झिंगा लाला बोलो चालू करेंगे बोलो. ट्राइ करो, ट्राइ करो, ऐसे से नहीं होगा ट्राई करो के एक्स इज का हिंदी में मतलब समझाए क्या हा वेरी गुड जीरो और बर्थडे मनाएगा एक्सीलेंट बैठ है बैठ रहते थे दिमाग में बोलो आप बोलो डेड होगा जीरो बर्थडे मनाएगा मतलब आने वाला एक साल के अंदर वो और एक साल के अंदर मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है क्या है वन एक बर्थडे मनाएगा तो एक बर्थडे मनाने के लिए पहले उसको एक साल जीना पड़ेगा और एक ही बर्थडे मनाएगा तो आने वाला एक साल के अंदर मैंने एक बर्थडे मनाया तो उसका एज हो गया एक्स प्लस वन और फिर वो एक साल के अंदर मर जाएगा माने कि एक साल रुक के मरेगा एक साल का आदमी एक साल जी के एक साल के अंदर दो साल जिएगा और फिर थर्ड ईयर में कुलुप अरे बोलो ना हाँ डरो मत एसेट के एग्जाम कौन कौन दे रहा दो रो तो एक दो तीन ठीक है उस दिन एसेट के बाद क्लास रखा है ठीक है बढ़े आगे बोलो ना हाँ हेडिंग लगाना क्यूम्यूलेटिव क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ब्रैकेट में लिखना सी डी एफ के एक्स का कर रहे हैं चलो ट्राई करते हैं जीरो या फिर उससे कम बर्थडे मनाएगा इसका मतलब क्या है तक। तुम लोग एक मिनट को एक मिनट को मेरा बात तुम लोग समझ नहीं रहे पर तो घर पे भी सकते थे भाई तुम लोग समझ ही नहीं रहे अभी तक तुम लोग फील नहीं ले पा रहे चीज का थोड़ा तो दिमाग दौड़ाओ तुम्हारा नाम क्या था नहीं तो क्या नाम था तुम्हारा नेहा नेहा थोड़ा तो दिमाग चलाओ थोड़ा बड़ा सोचो जीवन में जीरो या फिर उससे कम बर्थडे बनाएगा मतलब आने वाला एक साल के अंदर एक या फिर उससे कम बर्थडे मनाएगा मतलब आने वाला दो साल के अंदर वो मर जाएगा आने वाला तीन साल के अंदर वो मर जाएगा ये वाला बताइए जीरो से कम बर्थडे मनाएगा जीरो जीरो से कम तो हो ही नहीं सकता है एक से कम बर्थडे मनाएगा मतलब जीरो या फिर उससे कम बर्थडे मनाएगा अरे डिस्क्रीट है ना एक्स तो डिस्क्रीट है एक्स का मतलब क्या है फ्यूचर में कितना बर्थडे मनाएगा तो लेस देन वन का मतलब क्या है लेस देन इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है क्यू एक्स कॉपी कर कॉपी कर भाई कॉपी कर ऐसे सोचने से नहीं होगा हल्का बैटरी चेंज करके आओ ड्यूरेसोर का बैटरी लगाओ ऐसे थोड़ी तुम बन जाएगा एक्चुअली सोच लेने से हो जाता तो बस आज हम प्रधानमंत्री होते अभी तो पढ़ रहा है फिर जब पढ़ के क्लियर हो जाएगा फिर लेगा बस फिर पैसा को लेकर टेंशन फिर जॉब को लेकर टेंशन फिर जॉब छोड़ेगा अपना बिजनेस का टेंशन मेहनत चलते रहेगा भाई इतना इजी नहीं है लाइफ रेस बढ़े क्या आगे हाँ कॉपी हो गया सबका हेडिंग लगाओ इन फॉर्म ऑफ पीएक्स के एक्स ग्रेटर देन जीरो जीरो से ज्यादा बर्थडेज मनाएगा मतलब एक या फिर उससे ज्यादा बर्थडेज बनाएगा क्योंकि डिस्क्रीट में ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एक या फिर उससे ज्यादा बर्थडेज बनाने के लिए मिनिमम कितना साल जीना पड़ेगा दो या फिर उससे ज्यादा बर्थडेज बनाने के लिए दो से ज्यादा मतलब क्या तीन या फिर उससे ज्यादा स्पीड hey, बढ़ाओ हो गया लिखो क्वेश्चन चालू करो चालू करो एकदम टाइम एट वेस्ट करो कैलकुलेटर लो चालू करो D50 क्या आएगा बोलो D53 फिफ्टी कितना D70 D70 नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि क्या नहीं है एल सेवेंटी वन नहीं है ना डी फिफ्टी फोर चलो बेसिक तो तुम लोग गया, कॉपी हुआ ये सब अब इसके आगे आओ थ्री पी फिफ्टी टू का बताओ जिन लोग का भी बाकी है ना कल या फिर परसों तक मैक्सिमम तुम लोग बेसिक्स पूरा कंप्लीट करो फिर क्या है? मेरा टारगेट अब की बार का है कि जो बेसिक सर्टेन फ्लोस का रिविजन नोट्स है और जो बेसिक कंटिजेंसी का रिविजन नोट्स है वो मैं एकदम पूरा अच्छे से करवा दू ठीक है लेट्स देखते हैं कितना होता है एटलीस्ट टारगेट लेके चलते हैं तो फिर जितना हो सके

दशहरा वाले दिन वील डू सम लॉन्ग क्लास तो इट्स इम्पोर्टेंट सम्स करेंगे ये कैसा क्वेश्चन था तुमको कुछ काम है रामलीला जाना है तो फिर एल फिफ्टी फाइव बाई एल फिफ्टी टू ट्वेंटी पी फिफ्टी बोलो थर्टी फाइव क्यू फिफ्टी बोलो अच्छा हर क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन थोड़ी होगा टू क्यू फिफ्टी का मतलब क्या है पचास साल का आदमी पहले तीन साल जिएगा फिर तिरपन साल का जब हो जाएगा तो दो साल के अंदर वो मर जाएगा तुमको कैलकुलेटर दिया तुम फोन से कैलकुलेट कर रही हो तुमको कैलकुलेटर दिया ताकि तुम्हारा हाथ बैठे तो फिर कैलकुलेटर से करो ना मम्मी <laughs> बड़ी हंसी आ रही है काका हंसूंगा रुको मैं एग्जाम डेज देखो बाहर लगा हुआ नोटिस बोर्ड पे ठीक है ना मैं हंसूंगा आंसर बोलो फटाफट पहला वाला से बोलो थ्री पी फिफ्टी टू से बोलो जल्दी बोलो कॉन्फिडेंटली okay. बोलेगा कि सही है पॉइंट नाइन नाइन सेवन थ्री फिर दूसरा Point nine two nine two. And third. And fourth. Zero point five zero seven eight four. That's it for the day. Thank you. See you all tomorrow. Dot six p.m.